महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 1.45 नए कोरोना केस सामने आए। इसमें से 704 मामले राजधानी मुंबई में पाए गए। राज्य में कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। 1 मई को महाराष्ट्र में 169 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए थे, जो 31 मई को बढ़ाकर 711 हो गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मई में राज्य में सामने आए कोरोना के कुल 9,354 मामलों में से 5,980 मामले लगभग 64% अकेले मुंबई से थे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मई में राज्य में कोरोना के जो मामले बढ़े उसमें अधिकतम योगदान मुंबई का रहा। वहीं एक सर्च अधिकारी ने कहा कि निकट मानसून में कोरोना के सिम्टोमेटिक केसों की शुरुआत हो सकती है। मुंबई का धारावी, जहां कोरोना की दूसरी लहर में भारी संख्या में कोरोना केस सामने आए थे, वहां 1 जून को कोरोना के 10 केस मिले, जिससे वहां कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। बीएमसी ने उस दौरान सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी एरिया धारावी, जहां लगभग 6 लाख लोग रहते हैं, कोरोना पर बेहतर ढंग से नियंत्रण किया था, जिसके लिए बीएमसी की काफ़ी प्रशंसा की गई थी। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने अधिकारियों से कहा कि वे युद्ध स्तर पर टेस्ट तेज करें और जंबो कोविड अस्पताल के कर्मचारियों को अलर्ट पर रखें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि यदि महाराष्ट्र में इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो हमें राज्य में फिर से फेस मास्क अनिवार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं मसीना अस्पताल में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति गिल्दा ने कहा कि शहर में कोरोना के केस बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है और 18 साल के नीचे के लोगों में और बूस्टर डोज लगाने के मामलों में तो स्थिति बेहद ही खराब है। इसके अलावा वायरस नए वेरिएंट बनाने के लिए म्यूटेशन की स्थिति से गुजरता है, जो कि अधिक संचारित होते हैं और वैक्सीन इनके खिलाफ पूरी तरह से रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।